नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा राग वृंदावनी सारंग की एक स्वर मालिका लेकर आया हूँ। वृंदावनी सारंग तो आप जानते ही होंगे, दिन के दूसरे पहर का दोपहर में गाने वाला राग है। ये कोडव जाति का यानी पांच स्वर वाला राग है। इसमें ग और ध पूर्णतया वर्जित है और इसमें दोनों निषाद लगते हैं, आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी। तो इसका आरोह अवरोह क्या होगा देखिए। शुद्ध नहीं लगेगा, अवरोह में कोमल नहीं लगेगा। इसका वादी स्वर रे है और संवादी प है। ये एकदम चंचल एवं भक्ति प्रधान राग है, श्रृंगार प्रधान भी है। और ये इसके अंदर गुजरात और राजस्थान के फोक सॉन्ग्स बहुत अच्छे गाए जाते हैं। तो देखते हैं इसकी तीन ताल में निबद्ध एक स्वर मालिका, जो कि 13वीं मात्रा से शुरू होती है और ऊपर के साव पर उसका सम है, रे म प नी सा। तो देखते हैं इसका ताल के साथ ये कैसे बजती है। मैंने ये फ्लूट लिया है काली पांच यानी ए शार्प का, और ये तीन ताल पर बजाऊंगा मैं 140 बीट्स पर मिनट के टेम्पो पर। देखते हैं। तो आइए अब ये स्वर मालिका की एक एक लाइन नोटेशन के साथ गाकर और बांसुरी पर बजाकर सीखते हैं। ये हमने काली पांच यानी ए शार्प की फ्लूट पे गाया बजाया है। तो पहली लाइन है रे म प नी सा नी प म सा नी प म रे सा। तो ये पहला जो नी है वो शुद्ध नी है, दूसरे जो दो नी आएंगे वो दोनों कोमल आएंगे। जिस नी के बाद ऊपर का सा आता है वो नी शुद्ध नी आता है, जिस नी के बाद पंचम प आता है वो नी कोमल आता है। तो देखिए रे म प नी सा, तो ये नी शुद्ध है। सा नी प म, तो ये नी कोमल है। सा नी प म, और अब की बार सा नी प म डबल बीट में है, डबल स्पीड में है। सा नी प म रे सा, सा नी प म, सा नी प म रे सा, सा नी प म, सा नी प म रे सा। फिर से पढ़ लें, रे म प नी सा नी प म, सा नी प म रे सा।
सा है ऊपर का सा, वो चार बिट तक एक्सटेंड करना है। रे म प नी सा नी प म सा नी प म रे सा। दूसरी लाइन नी नी म प नी नी प म रे रे नी सा सा। पहले जो दो दो नी आएंगे वो कोमल वाले हैं और नी के बाद सा वाला जो नी है वो शुद्ध नी है। नी नी म प नी नी प म, ये चारों नी कोमल है। रे रे नी सा सा, ये शुद्ध नी है। तो सारे सा नी पा पा रे पा म रे रे सा। यहाँ जो सारे सा नी है, नी कोमल है, तो सारे सा नी डबल स्पीड में है, फिर पा पा कोमल सिंगल स्पीड में है, फिर से सारे सा नी पा पा सेम है, फिर रे तीन बीट एक्सटेंड करना है। रे पा म रे रे सा, तो पा म एक ही बीट में है साथ में। देखिए सारे सा नी पा पा सारे सा नी पा पा रे पा म रे रे सा। तो पूरी स्थाई तीन लाइन की। रे म प नी सा सा नी प म सा नी प म रे सा। नी नी म प नी नी प म रे रे नी सा सा। सारे सा नी प प सारे सा नी प प रे प म रे रे सा। रे म प नी सा। अब अंतरा, अंतरा की लाइन भी तेरहवीं बीट से शुरू होती है, तेरह चौदह पंद्रह सोलह और फिर सम। म म म नी नी म प प नी सा 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 रे नी सा। एक्सटेंड करना है, पा भी एक बिट और एक्सटेंड करना है। नी पा नी 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 सा 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 म रे सा रे नी सा नी पा। थर्ड लाइन प नी सा नी सा सा म प नी नी रे म पा पा सा रे म रे म म। पनी सा नी सा सा, तो पनी सा नी डबल स्पीड में है। पनी सा नी सा सा म पनी पनी नी, म पनी पर डबल लाइन में है और नी कोमल है। म पनी पनी नी, फिर रे म पा म पा पा रे म पा म डबल बीट में है। रे म पा म पा पा आगे सा रे म रे म म सा रे म रे डबल बीट में है सा रे म रे म म। तो पूरी लाइन प नी सा नी सा सा म प नी प नी नी रे म प पा सा रे म रे म म। चौथी लाइन नी नी म प नी नी प म रे।
दूसरी लाइन है वही अंतरे की लास्ट लाइन है। नी नी म प नी नी प म रे रे नी सा सा रे म प नी सा। तो चौथी लाइन मालिका बहुत पुरानी भी है, बहुत लोगों ने, मैंने ये 35 साल पहले सीखी थी, 35 साल पहले जब मैं नया नया क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा था तब मैंने ये सीखी थी। तो बहुत ही प्यारी सी बंदिश है, आप जरूर सीखना, बहुत अच्छी लगेगी, फ्लूट पे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे बजाएंगे तो और भी अच्छी लगेगी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सिखाने का तरीका भी अगर शायद पसंद आया होगा, अगर है तो आप कमेंट में लिखिए, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो ये भी दीजिए, आपको कोई फरमाइश करनी है तो ये भी करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे देखा और सराहा, आपकी बहुत सारी कमेंट्स भी आई है मेरे पास, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।